Good afternoon, dear children. I know that today you had a very disturbance in the online class. Again, I am repeating the office memo. Agar memo agar hamara aa raha hai. Just a minute, children, please. So, office memo agar hame memo is a short form of memorandum. Memorandum, popularly known as memo, has been derived from the phrase memorandum, which means to refer to or call टू रिमाइंड टू रिलेट. ठीक है, किसी को बताना, किसी को याद दिलाना, उसके लिए हमें मेमोरेंडम लिखते हैं हम. प्रॉब्ली हम बिजनेस डील के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं. कोई एग्रीमेंट के लिए या कोई चेंजेस, कोई रूल्स हम एडमिट कर रहे हैं या बना रहे हैं, कोई नया रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, वॉट एवर, तो इसमें सब मेमोरेंडम है. फॉर एग्जाम्पल, हम अब जैसे आई एम वर्किंग इन जर्सिटी विद्यापीठ and now the timings have been changed. Now for the college I am coming at 9:30 till 1:30. So it was through memo that we got the information about the time changes. Okay, sample. Ab dekhiye, memorandum hamesha ek box banega. In the middle you are going to write the memo. To, from, date, subject, most important elements. To, from, date, subject, and then carbon copy, cc. carbon copy kisko bhej rahe hain hum, एंड देन अटैचमेंट्स, साथ में अटैचमेंट किस किस को भेज रहे हैं हम. एग्जाम्पल, वी विल हैव लुक एट द एग्जाम्पल नाउ. राइट ए मेमो टू योर एम्प्लॉय टू मेक हिम अवेयर अबाउट न्यू पॉलिसीज. नए पॉलिसीज के लिए हम मेमो लिख रहे हैं. तो मेमो, केशव मेहता टू, फ्रॉम वासु रहेजा CEO. ध्यान रखें कि हाइएस्ट पोस्ट होता है जो लिखता है मेमो. डेट 18 May 2021. सब्जेक्ट, इनोवेटिव अप्रोच और स्ट्रैटेजी. तो न्यू पॉलिसी बनाने के लिए है ना, तो इसलिए इनोवेटिव अप्रोच और रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज और इन्वेंशन ऑफ और एडमिटिंग और एनहेंसिंग द स्ट्रैटेजीज. दिस हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट द सेल ऑफ कंपनीज फॉलोइंग डे बाई डे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो थोड़ा आपको फॉर्मली लैंग्वेज इस्तेमाल करना होगा. तो प्रीवियस ईयर से अब हमारा सेल बहुत कम हो चुका है. सो मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी हैव डिसाइडेड टू फॉलो सम ऑफ न्यू पॉलिसीज, इनोवेटिव अप्रोच और स्ट्रैटेजीज टू एनहेंस द सेल्स प्रोडक्ट. तो कह रहे हैं जो हेड ऑफिस है ना, जो हेड है, गवर्निंग हेड है, वो सभी ने बैठ के कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाया है. उन्होंने कहा कि इस तरह से काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा और ज़्यादा बिकेगा. आई होप दैट इट विल डेफिनेटली वर्क. तो उम्मीद करता हूँ कि काम हो. देयरफॉर आई एम होल्डिंग ए मीटिंग वेयर वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉलिसीज विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर. तो मैं एक मीटिंग रख रहा हूँ आप सबके साथ, जो आपको बता दिया जाएगा इसी पॉलिसीज के बारे में बात करने के लिए और कैसे वो हम लागू करें. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन टू द कंपनी. विथ रिगार्ड्स, वासु रहेजा CEO. कार्बन कॉपी, अर्जुन कपूर, गौरव निर्मल, दो तीन नाम और लिख सकते हैं आप. अटैचमेंट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. तो अटैचमेंट वहाँ पर दिया है या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या ऑफिशियल डिपार्टमेंट. ओके, इन दैट वे. सैम्पल सेकेंड, मेमोरेंडम, रानीबाग, न्यू दिल्ली, समर्पणा प्राइवेट लिमिटेड. तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, समर्पणा प्राइवेट लिमिटेड ऊपर आ गया, रानीबाग, न्यू दिल्ली, देन कम्स मेमोरेंडम. एक के ऊपर एक, फर्स्ट ईयर नेम ऑफ द कंपनी, देन कम्स द एड्रेस ऑफ द कंपनी, देन कम्स मेमोरेंडम. फिर यहाँ आ जाएंगे टू, जिसको भी भेजा है हमने, फ्रॉम जो भी भेज रहा है, डेट आज का डेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द मेमो, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिया नहीं है तो ये कंपनी के बारे में बता रहे हैं. इफ़ यू वांट टू सेंड CC, जिसको भी एडिशनल, जिसको भी भेजना है उसके नाम आ जाएंगे यहाँ पर. अब इसके लिए हम एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं. राइट ए मेमो टू डिफरेंट स्कूल्स टू इन्वाइट द नेम्स ऑफ द टैलेंटेड एंटरप्राइजिंग साइंस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन. यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है. तो एनी, क्योंकि साइंस पार्टिसिपेशन का है तो कुछ अच्छा सा नाम होना चाहिए. ओके, साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स बोला, स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए कहा है. तो इट कैन बी यू और माइट बी इन ए कॉलेज ऑल्सो. कोई कॉलेज में हो, IPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCO 43 सेक्टर 38 चंडीगढ़. मेमोरेंडम आ गया यहाँ पर, नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, देन कम्स प्लेस, देन कम्स मेमोरेंडम. अब यहाँ टू, DAV स्कूल को भेजा है हमने, फ्रॉम IPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर डाल दीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. डेट जो आज का डेट होगा. सब्जेक्ट, प्रपोजल फॉर एग्जीबिशन, क्योंकि एग्जीबिशन के लिए बात हो रही है कि हम पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं. तो हम
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीबिशन, तो हमें चाहिए, तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सीसी तो किस किस को भेज रहे हैं, और साथ में देखिए डीएवी के अलावा टैगोर पब्लिक स्कूल, जो सेंट जोसेफ स्कूल, डीपीएस पब्लिक स्कूल, तो जितने भी और बाकी दो चार स्कूल हैं उसका नाम डाल सकते हैं। आईपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वाइट्स द नेम ऑफ टैलेंटेड एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीबिटिंग साइंस प्रोजेक्ट्स टू बी हेल्ड इन गुरु ऑडिटोरियम सेक्टर 43 चंडीगढ़। तो आपका नाम इन्वाइट कर रहे हैं हम, जो भी साइंस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं। ओनली स्टूडेंट्स हुज प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स आर सेलेक्टेड बाय द कमिटी मेंबर्स विल बी एलिजिबल फॉर एग्जीबिशन। देखिए एग्जीबिशन हम जाते हैं तो आप ये देखिए कि वहाँ पर वही बच्चे आते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। सेंड द एंट्रीज बाय 25th मार्च। तो आप ये देखिए 12 मार्च, 25th मार्च, सो एटलीस्ट दे हैव गिवन 12-13 डेज, तो आपको ऐसे रखना है। सो अगर हम यहाँ पर 18 मई लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम 28th और 30th मई तक हमें मिल जाना चाहिए टू द अंडर साइन। आपको बताना होता है किसको भेजना है, डॉक्टर तरुण रहेजा मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, भाई वहाँ पर उनको भेज दीजिए अपना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, राइट ए मेमोरेंडम फॉर अग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज। दो पार्टी आपस में अग्रीमेंट कर रही है कि हम साथ में काम कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट आईपीएससी मेडिकल हॉस्पिटल एंड दयावान मेडिकल एजेंसीज, क्योंकि दो टीम अग्रीमेंट कर रही है तो दोनों का नाम आ रहा है यहाँ पर। मेमोरेंडम ऊपर आ गया, विथ अग्रीमेंट आ गया यहाँ पर। आईपीएससी मेडिकल एजेंसीज एंड ध्यान मेडिकल एजेंसीज हैव अग्रीड टू एंटर इनटू दिस पार्टनरशिप। तो अग्रीमेंट आ गया, उनके पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं। बट दिस मेमोरेंडम और ऑफ अग्रीमेंट, बाय दिस मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट और इस मेमोरेंडम के जरिए दिस पार्टनरशिप इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वजह यह है टू प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी टू द सिटीजन। जिस एरिया में हम रहते हैं आसपास, हम उसको मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से अच्छे दें। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, और आसपास के लोगों को बता सके कि कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए उनको जो ये जहरीली इन्फेक्शन जो चल रहा है। टू सेव लाइफ, हमारा मकसद है लोगों की ज़िंदगी बचाना। टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव, ये सारे काम पूरे करने के लिए वी बोथ द पार्टीज आर कमिटेड टू परफॉर्म आवर रोल, कि हम दोनों पार्टी जो हैं बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम ये काम अच्छे से करेंगे। सिंसियरली, अब जो दो पार्टी है ना, दोनों पार्टी आईपीएससी मेडिकल का और ध्यान मेडिकल का, इन दोनों बंदे का नाम आ जाएगा। सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल समथिंग प्रोफेशन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डॉक्टर डिग्री ज़रूरी है। देन कॉपी एंड पेस्ट, इसके नीचे आप सीसी भी डाल सकते हो, सीसी करके आप बता सकते हो कि आप दूसरों को बता रहे हो कि हम इस अग्रीमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको ये देखिए। राइट ए मेमोरेंडम टू एन एम्प्लॉय रिगार्डिंग द फेक बिल्स सबमिटेड बाय हिम। तो आप ये बताएंगे कि एक बंदे से आपने बिल ले लिया, भाई आपने क्या क्या परचेज़ किया, मैंने मुझसे बिल मांगा गया तो मैंने फेक बिल डाल दिया और उनको पता लगा ये फेक है। तो अब इस पर मेमोरेंडम में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट द एम्प्लॉय हु सबमिटेड द फेक बिल, ठीक है। राइट ए मेमोरेंडम टू द कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग द एनुअल फंक्शन गोइंग टू बी हेल्ड इन योर कॉलेज। तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मेमोरेंडम लिख रहे हो और बताओगे कि हमारे जो एनुअल फंक्शन है कॉलेज का वो दिसंबर में होना है, तो आपको किस किस तरह से तैयारी करनी है, आपकी क्या क्या प्रपोजल्स है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस किस तरह से हम पेश करेंगे, ओके, हाउ टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शंस, उस तरह से। तो आप उसको कोऑर्डिनेटर को बता रहे हो और उनको बता रहे हो कि हम एक मीटिंग में बैठते हैं, आप मेंबर्स को बुलाओ और हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से मेमोरेंडम वहाँ पर लिखना है हमें। आई थिंक इसके लिए, इस टॉपिक के लिए आज मैं ये बहुत है बेटा। मैं आपको फिर जो आपका सर्कुलर होगा उसके लिए मैं आपको दोबारा